हे गाइस, दिस इज योर मुकेश मदेसी अगेन। स्वागत करते हैं मेरे नए ब्लॉग में। गाइस, आज मैं आया हूँ नेपाल के काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाले हैं। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ का लुक देखेंगे, क्या मस्त लुक है, तो दिखाते हैं। चलिए बने रहिए। शूट कर रहा हूं, बाकी जर्नी आपको देखना है, ये बने रहे मेरे साथ, आपको मेरी जर्नी दिखाते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं इंडियन बॉर्डर, इसके 10 कदम के बाद नेपाल का बॉर्डर है। सामने आपको नेपाल का बॉर्डर का गेट दिख रहा होगा। तो नेपाल में ऐसा ही है, आपको पासपोर्ट की नीड नहीं होती है और आप ऐसे ही पैदल निकल सकते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया होगा कि मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, इंडिया नेपाल बॉर्डर से। यहाँ से मैं काठमांडू जा रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज ए बस इन विच आई एम गोइंग टू ट्रेवल टू माई डेस्टिनेशन। असल में गाइस, ये रात का टाइम था, सो आई मिस्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स टू से, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको बहुत सारी खूबसूरत लोकेशन दिखाने की कोशिश करी। सो गाइस, लाइट्स हो चुके हैं ऑफ और बस चल चुका है आगे की तरफ। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मैं किन रास्तों से गुजर रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे घर कैसे बने होते हैं पहाड़ों पे। गाइज, आई होप नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ये सब चीज़ें आपको कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा सकूं। इस बात तो रात के वैसे ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें मिस करी, नेक्स्ट ब्लॉग में सब दिखाऊंगा मैं, बने रहें। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और बाहर उजाला होने लगा है। तो गाइज, अभी मैं काठमांडू से 20 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों से लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं पहुँचने में। तो आपको यहाँ के रोड्स दिखाते हैं। यहाँ के रोड्स गाइस ऐसे इस तरह से, देखिए सीधे ऐसे जाते हुए ये सर्कल बनाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये देखिए यहाँ से रोड गई और ये घूम के ऐसे ऐसे इस तरह पे आई है। आज है 25 मार्च, सुबह हो चुकी है, दिन निकल चुका है, लेकिन आप यहाँ की टेम्परेचर देख सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, सुबह के 6:50 हो रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ का टेम्परेचर देखिए 12 डिग्री सेल्सियस।
Thank you.